दोस्तों, हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम दिखाएंगे कि जो लाइनरी और डीजे के लिए स्पीकर होता है, आप घर पे कैसे बना सकते हैं। उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत लगेगी आपको। ये होता है बास्केट, इसको बोलते हैं बास्केट और चेचिस, दो नाम होते हैं इसके। ये होता है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का, ओके। ये होता है RCF मॉडल। इसके बाद ये होता है आपका टू मच वेरी हाई पावर एंड वेट मैग्नेट। इसका ऑडियो आउटपुट जो होता है वो 500 वाट का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें 190 × 25 × 90 mm का मैग्नेट लगा हुआ है। अब आपको ये फिट करके दिखाया जाएगा। फिट में क्या होगा, जस्ट इसको ऐसे रखेंगे और स्क्रू से टाइट करेंगे। ये इसका टर्मिनल होता है कनेक्शन के लिए। ऐसे इस पर फिट हो जाता है इस टाइप से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये ऐसे फिट हो जाता है, स्क्रू से टाइट करना होता है। इसके बाद ये बास्केट जस्ट इस पर ऐसे रखनी होती है और स्क्रू से टाइट होती है। अब क्या होता है, ये जितने भी काम होते हैं इसमें, पर्टिकुलर हर एक काम के लिए 5 मिनट चाहिए होते हैं। तो जब मैं हर एक फिट करके दिखाऊंगा तो आपका 5-5 मिनट के हिसाब से वीडियो पूरा 1 घंटे का बनेगा। अब उतना समय किसी के पास होता नहीं है वीडियो देखने के लिए, ओके। तो फाइनली मैं आपको थोड़ा इसको शॉर्टकट में दिखाऊंगा। जैसे अभी रख दिया, इसके बाद में आपको ज़रूरत होगी एक वॉइस कॉइल की। ये आउट ऑफ इंडिया की है, हाई टेम्परेचर इन आउट, ओके। और इसका डायमीटर है 76.2 mm और ये CCLR मटेरियल में बनी हुई है। इसके बाद चाहिए इसको स्पाइडर, ये यूसोनिक ब्रांड का है, इम्पोर्टेंट स्पाइडर। इसके बाद होता है केप, डस्ट केप। इसके बाद इसमें एक लगेगा पेपर, ये डबल डोर के अंदर है और आउट ऑफ इंडिया का है। इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। और ये काम होने के बाद इसमें लगती है गैस किट, जो कि ऊपर से लगाई जाती है, जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। नाउ मैं अब इसमें आपको कुछ दिखाता हूँ और आगे। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि बहुत सारे शॉपकीपर के पास नहीं होता है। इसको बोलते हैं जिक्स। इसमें क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। ये जो वॉइस कॉइल है, इसको फिट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो वैसे इसको जब प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, फिट हो जाएगा इसके अंदर। और इसकी जो स्टैंडर्ड जहाँ पर छोड़ना है उसके लिए इसमें जगह बनी होती है, वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। ये कनेक्शन जो होते हैं इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें ये जो स्पाइडर है ये ऐसे फिट होगा, ठीक है, फिट कर दिया। इसके बाद ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट ग्लू से चिपकाना होता है, ओके। चिपकाने के बाद में पहले ही पेपर भी फिट कर दिया जाता है, इस तरीके से पेपर इस पर पूरा फिट हो जाता है। ये हमारा किट कंप्लीट हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये बास्केट लगाई, स्क्रू से टाइट करा और इसको ऐसे पकड़ के आपको जस्ट सब जगह ग्लू लगा के इसको जस्ट रखना होता है। रखने के बाद ये जो गैस किट देख रहे हैं आप, ये इस पर यहाँ पर चिपका देंगे इम्पोर्टेंट वाले सोल्यूशन से। और लास्ट में ये जिक्स जब सेट हो जाता है उसके बाद में ये केप लगा के इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना सारे काम, हर एक पार्ट को लगाने के लिए 10 मिनट का टाइम लगना है। तो 10-10 मिनट के बाद में ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की बनेगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट में दिखाया। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही नहीं दिखाया जाएगा। ये सारा काम हमने एक बार पहले कर चुके हैं, दैट मीन्स कि एक स्पीकर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है मैजिक। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लाइक ऐसा दिखेगा ये स्पीकर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर इसका ब्रांड नेम लिखा होता है। और ये पीछे से जो मैग्नेट आपको दिखाया गया था ओपन, ये वही स्पीकर रेडी करके रखा है। इसके बाद अब इसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी। आपको इसकी मैं लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये हमारे पास एम्पलीफायर के कनेक्शन है, ये यहाँ पे जस्ट इसको पुश करना होता है, ये लग जाएगा। यहाँ पर पुश करेंगे
देखा दोस्तों आपने कितना बढ़िया था ये। अगर आप चाहते हैं कि ये स्पीकर आपको भी घर पे बनाना हो तो हमारे पास इसके सारे लूज मटेरियल, लूज पार्ट्स अवेलेबल है। आप हमें डिस्क्रिप्शन में आपका एड्रेस एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इतना मगजमारी नहीं करना है, आपको सपोज़ करो कि इतना समय नहीं है बनाने का, या आप टेक्निकल लाइन में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आप इसको प्रॉपर से बना सकें, तो आप हमें ऑर्डर करिए, हम आपको ये स्पीकर पूरा कंप्लीट बना के कोटेशन के साथ में देंगे। ठीक है, वो रेट और प्राइस अभी इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्राइस इसका अलग अलग होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाउ बाय बाय।